मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सी हु इज ही? सारस। ये कौन है? सारस। ये कौन है? सारस। एंड ये लोमड़ी। ये कौन है? लोमड़ी। तो मैम, रेनू मैम आज आपको एक कहानी सुनाने वाली है। पता है कौन सी कहानी सुनाने वाली है? लोमड़ी और सारस की। लोमड़ी और सारस की कहानी सुनाने वाली है। पता है लोमड़ी और सारस अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। आप लोग भी फ्रेंड्स होते हो ना? तो वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो लोमड़ी ने क्या किया पता है? लोमड़ी बहुत लालची होती है। फिर पता है क्या किया लोमड़ी ने? लोमड़ी ने सारस को बोला, सारस आप मेरे घर आओ एक दिन। सारस ने बात मान ली। सारस ने बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। लोमड़ी ने अपने घर में अच्छा अच्छा खाना बनाया। लोमड़ी ने और फिर उसने पता है क्या किया? खाने को जैसे लोमड़ी ने सूप बनाया। और सूप बना के उसने क्या किया? सूप बना के उसने प्लेट में डाल दिया। अब सारस की तो लंबी सी चोंच है। सारस ये कैसे खा पाता? सारस खा पाता क्या फूड? नहीं खा पाया। उसने बहुत कोशिश की, सारस ने बहुत कोशिश की खाने की, पर वो खा नहीं पाया और वो भूखा ही रह गया। और लोमड़ी ने बहुत मजे से चट करके सारा फूड फिनिश कर लिया। ये देख के सारस को बहुत गुस्सा आया। सारस ने बोला, लोमड़ी मैं तो भूखा ही रह गया। तो लोमड़ी ने पता है क्या बोला? मैंने आपको खाना तो दिया था ना, आपने खाया क्यों नहीं? सारस को बहुत दुख हुआ। सारस बेचारा सैड मूड से अपने घर को चला गया। अब सारस ने सोचा, क्यों ना लोमड़ी को बुलाया जाए खाने पे। अब सारस की बारी। सारस ने खाना बनाना शुरू किया। इसमें से जूस बनाया, सूप बनाया, ठीक है। और सूप बना के फिर सारस ने क्या किया पता है? इसको उसने पॉट में डाल दिया, सुराही में डाल दिया। अब क्या हुआ? क्या लोमड़ी खा पाएगी खाना? लोमड़ी बहुत कोशिश कर रही है खाने की। पर ये तो खा ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि इसका मुंह ही नहीं जा रहा अंदर। कैसे खाए? लोमड़ी ने बहुत कोशिश की कि काश मैं खाना खा लूं, मैं बहुत भूखी हूं, मैं खाना खा लूं, पर नहीं खा पाई। फिर सारस ने पता है बहुत मजे से चट करके सारा सूप फिनिश कर लिया। ये देख के लोमड़ी को बहुत बुरा लगा। लोमड़ी ने बोला, सारस भाई क्या तुमने इसलिए मुझे अपने घर बुलाया था कि मुझे भूखा पेट छोड़ो? सारस ने बोला, लोमड़ी क्या तुम भूल गई? तुम भी मुझे अपने घर बुला के तुमने क्या किया था मेरे साथ? तुमने मुझे खाना कैसे दिया था? प्लेट में। मैं प्लेट में खाना कैसे खा सकता हूँ? तो इसीलिए मैंने भी तुम्हें सुराही में खाना दिया, है ना? तो बच्चों, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और जैसे को तैसा ही करना चाहिए। चल ठीक है, चलो, ओके, बाय।